Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a tuning fork of frequency 256 Hz produces 4 beats per second with a wire of length 25 cm vibrating in its fundamental mode. The beat frequency decreases. When the length is slightly shortened, what could be the minimum length by which the wire be shortened so that it produces no beats with the tuning fork? Okay. वट इज़ गिवन, हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है एंड इसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 256 हर्ट्स, एंड हमारे पास एक वायर है, लेंथ ऑफ द वायर लेट्स ए कैपिटल एल, दैट इज़ गिवन 0.25 मीटर, एंड ये अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करता है. नाउ यू कैन एज्यूम द बाउंड्री कंडीशन. आई एम एज्यूमिंग कि इसके जो दोनों एंड्स हैं वो फिक्स्ड है, राइट? यू कैन एज्यूम वन एंड ओपन, वन एंड फिक्स्ड, एंड जस्ट फॉलो द सेम प्रोसीजर. इवेंचुअली यू विल गेट द सेम आंसर, राइट? सो मैंने दोनों एंड्स को फिक्स्ड एज्यूम किया है. इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, नोड होगा. एंड फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए आप इस तरह से एक सिंगल लूप ड्रॉ करोगे. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन लूप, दैट इज़ लैम्डा बाई टू. सो लैम्डा बाई टू विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर. इट मीन्स वेव लेंथ विल बी 2L, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज सिंपली स्पीड डिवाइडेड बाई वेव लेंथ विच इज़ 2L, एंड स्पीड को यू कैन राइट अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई लीनियर मास डेंसिटी, और ये 1/2L एज इट इज़. Now, what is T? T is the tension in this wire, and mu is the linear mass density of this wire, right? Now, you can see how to find out this fundamental mode of vibration ka frequency, F ka value hum kaise find out karenge. So, uske liye, what is given? Beat frequency is given. Beat frequency between this, tuning fork and this wire, that is given 4, right? Let me check again. Beat frequency is 4 beats per second. And beat frequency is nothing but the difference in frequencies. It means 256 and F में कितने का difference है, 4 का difference है. It means F के लिए आपके पास दो possibilities है. Either it can be 256 plus 4 or it can be 256 minus 4. It means either it can be 260 or it can be 252. Now exact value कैसे find out करेंगे, अभी तो हमारे पास दो possibilities है, right? So exact value के लिए आपको one data is given that इफ़ लेंथ को हम डिक्रीज करते हैं, देन जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डिक्रीज करती है. डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है. द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस व्हेन द लेंथ इज स्लाइटली शॉर्टन्ड. ओके, सो लेंथ के डिक्रीज करने पे जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज करेगा. नाउ लेंथ डिक्रीज करने पे क्या होगा, आप देखो ये जो फार्मूला है एफ का, लेट मी राइट इट हियर. एफ इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू. सो यहाँ पे टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी को हम चेंज नहीं करेंगे. लेंथ को जब हम डिक्रीज करेंगे देन जो फ्रीक्वेंसी है वायर का वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो वी कैन से कि एफ इंक्रीज करेगा, राइट? एंड बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने का क्या मीनिंग है, इट मीन्स 256 एंड एफ में जो डिफरेंस है वो डिक्रीज करेगा. इट मीन्स जो एफ है वो 256 को अप्रोच करेगा. इट मीन्स एफ approaches 256. Now आप देखो F के increase करने पे जो F है वो 256 को approach करना चाहिए. So अगर हम F का value 260 लेते हैं and इसे increase करते हैं 261 then 262 then it is moving away from 256. इसका जो difference है 256 से वो increase कर रहा है, right? So this beat frequency increase होगा, right? So option 260 वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, आपको 252 लेना होगा. नाउ 252 को आप इंक्रीज करके देखो 253, 254, इट इज़ अप्रोचिंग 256, राइट? सो आंसर विल बी 252. इट मीन्स यहाँ पे जो एफ का वैल्यू है वो कितना है, 252 है ना. 252 विल बी द वैल्यू ऑफ एफ. सो 252 दैट इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू. नाउ व्हाट इज गिवन कि लेंथ को जैसे जैसे आप डिक्रीज करोगे ये जो वैल्यू है वो 256 को अप्रोच करेगी, राइट? सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि लेंथ को कितना डिक्रीज करें सो दैट ये जो एफ का वैल्यू है ये 256 हो जाए. एफ का जो वैल्यू अभी 252 है वो 256 हो जाए, बिकॉज जब एफ का वैल्यू 256 हो जाएगा उस टाइम पे जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितना आ जाएगा, 0, बिकॉज बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड 256, राइट? सो बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा इफ द वैल्यू ऑफ एफ बिकम्स 256. सो लेट्स से हम कुछ डेल्टा एल डिक्रीज कर देते हैं
एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 आ जाता है. सो आप देखो 256 दैट इज इक्वल टू 1/2 L - Δ L, राइट. और ये अंडर रूट टी वाई म्यू एज इट इज रहेगा. सो हमें डेल्टा एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो एक काम करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन वन है और ये वाली इक्वेशन वन है, राइट, और ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज योर इक्वेशन टू. सो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो. सो आप देखो टू टू कैंसल हो गया, अंडर रूट टी वाई म्यू कैंसल हो गया. सो इट इज़ 1/2 डिवाइडेड बाई 256 दैट इज इक्वल टू, अभी देखो ये 1/L नीचे जाएगा और ये एल माइनस डेल्टा एल ऊपर चला जाएगा, एल माइनस डेल्टा एल, राइट. सो दिस इज नथिंग बट 1 - Δ L/L. सो यहाँ से डेल्टा एल बाई एल दैट इज इक्वल टू 1 - 252 / 256 एंड एल का वैल्यू आपको पता है. सो डेल्टा एल विल बी, एल का मल्टीप्लीकेशन, एल का वैल्यू 0.25 है, 1 - 252 / 256 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ इन मीटर. इतना लेंथ आपको डिक्रीज करना है सो दैट जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो जीरो आ जाएगा. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन. ओके, इस गिवर की हार्ड बेस्ट ऑफ लक. बाय.